इंदौर की आजाद नगर पुलिस ने कल इलाके में सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। नशाखोरी के अड्डों पर पुलिस पहुंच गई और नशेड़ियों को पकड़ पकड़ कर थाने लेकर आई। बता दें कि कई नशेड़ी हाथ जोड़कर छोड़ने की गुहार लगाते हुए भी नजर आए। कुल 20 के खिलाफ कार्रवाई की गई। दरअसल आजाद नगर क्षेत्र में लगातार नशे की बिक्री और नशाखोरी की शिकायत अधिकारियों को मिल रही थी। पहले भी यहां पर कार्रवाई की गई थी। कल एसीपी के निर्देश पर थाना प्रभारी की टीम ने जगह जगह दबिश की। सुलभ शौचालय के पास मूसाखेड़ी चौराहे से वाजिद, अमित, जाहिद और तोहिद सहित एक अन्य को पकड़ा। इनके अलावा 15 और भी नशेड़ियों को पकड़ा गया है। सभी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस की कार्रवाई से नशेड़ियों में हड़कंप मच गया है। नशे के विरुद्ध अभियान ईगल क्लॉक के तहत वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार थाना आजाद नगर में कल करीब 30-35 लोगों को हम लोग पकड़े हैं। नशे के विरुद्ध जो नशा करते हैं, नशा बेचते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उसमें कुछ लोगों के खिलाफ अलग अलग कार्रवाई की गई है और कुछ को हम जिला बाजार और NDPS के तहत कार्रवाई कर रहे हैं और कुछ को माननीय न्यायालय पेश कर जेल भेजा जाएगा। सर, आजाद नगर के किन क्षेत्रों में पुलिस की टीम गई थी और कितना बल मौजूद था? हाँ, कुल करीब 30-40 लोग पुलिस लाइन से मिले थे और थाने के करीब 40-50 लोग, टोटल 80-90 का बल था। उनके द्वारा थाना आजाद नगर, कोहिनूर, मदीना नगर और भील कॉलोनी, शांति नगर और थाने के जो अन्य क्षेत्र हैं वहाँ पर हम लोगों ने घेराबंदी करके दबिश दी गई और कई नशा करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई।